अस्सलाम वालेकुम जी, कौन, किसने भेजा है आपको? असलम भाई ने भेजा था ड्राइविंग के लिए। किसने? असलम भाई ने भेजा आपको ड्राइविंग के लिए? जी आइए। वैसे तो मैम मैं सबरी गाड़ी चला लेता हूँ और बड़े बड़े लोगों के यहाँ जॉब भी किए कई लोगों के। वैसे आपने किसके यहाँ काम किया है? वैसे मैंने राहुल शर्मा के काम किया है और उनके यहाँ काफी साल काम किया मैंने। और मैडम आपको भी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा, एक बार मैम आप रख कर देखिए। वैसे तो राहुल शर्मा बहुत अच्छे आदमी है, आपने उनके यहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? मेरी उन्होंने पहले तो 3 महीने की तनख्वाह रोक ली और मेरे अचानक मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई और मैंने उनसे बोला कि तनख्वाह दे दो, उन्होंने तनख्वाह देने को मना कर दिया तो मुझे इसलिए छोड़ना। मैम वैसे आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है? मेरे पास तो ऑटोमेटिक गाड़ी है। वैसे आप कौन कौन सी गाड़ी चला लेते हैं? वैसे मैम आपका मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? आप वॉशरूम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काम चल रहा है। अच्छा ठीक है मैम, आप रुको मैं 1 मिनट में आती हूँ ना। हेलो, हाँ जी बोलिए। आपने मुस्लिम ड्राइवर को भेज दिया मेरे घर। आपको पता है ना मुझे मुस्लिम लोगों से कितनी नफरत है, उसके बावजूद भी। मैम वो शहर का बहुत बड़ा ड्राइवर है, बहुत भला आदमी है, मैम एक बार उसको रख के देखो आप। वो भला हो या बुरा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस वो मुस्लिम है मुझे इससे मतलब है। मैम मुस्लिम है तो क्या हो, मैम ड्राइवर बहुत बढ़िया, उसको आप रख लो, एक बार मेरी बात तो मानो। आप मेरी बात सुनिए, मैं उनको अभी जाके मना कर रही हूँ क्योंकि वो मुस्लिम है, मुझे क्या करना है जो भले हैं बुरे हैं, मैं उन्हें अभी जाके मना कर रही हूँ, मैं उन्हें ड्राइवर की जॉब पे नहीं रख सकती। भैया वो आपसे पहले ना एक भैया मुझसे बात करके गए थे ड्राइविंग के लिए, उनका जस्ट अभी कॉल आया मुझे, उन्होंने कहा कि वो ज्वाइन कर लेंगे। वैसे मैं उनको ना भी नहीं कह सकती तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। ठीक है भैया, आप कहीं और देख लीजिएगा, अगर मुझे कभी आपकी ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको कॉल कर दूँ। ठीक है मैम कोई बात नहीं, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो असलम भाई को बता देना, वो मुझे कॉल कर देंगे और मैं आ जाऊँगा। ठीक है मैम चलता हूँ। अरे भैया, अरे यार इसकी चाबी और गिर गई, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, अब ऊपर जाना पड़ेगा। तेरे को समझ ही नहीं आता ना, तो ये फोन कर रहा, तो मेरा फोन क्यों उड़ा दिया तू? पैसे दे मेरे ला, 1 लाख रुपए मेहनत हुई दिया था, पैसे क्यों नहीं वापस कर रही है? पैसे वापस समझ नहीं आता, पैसे वापस दे मेरे। कौन से 1 लाख रुपए? मेरा हाथ छोड़ो पहले। तू दे रही है नहीं दे रही है, तेरे को बताओ भी मैं। तो मुझे क्या बताओगे, पहले मेरा हाथ छोड़ो। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तू रुक अभी। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारे कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी अभी कॉल। अच्छा तो पुलिस को बुलाएगी, मेरे पैसे नहीं देगी, ऐसे नहीं मानेगी ना तू, रुक अभी। अच्छा तो मेरे जाने के बाद इन तुम मुसलमानों को आशिक बना रही है अपना, तू है ना, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक अभी तू। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम यहाँ से जाते हो मैं पुलिस को बुलाऊं? अच्छा तो तू इसके चक्कर में पुलिस से पकड़वाएगी मुझे? देख अभी तो मैं जा रहा हूँ, इसके बाद ना आके तुझे बताऊंगा क्या करना है मुझे। इधर रुक, इधर रुक, ये पकड़ अपनी चाबी। तुझे तो ना मैं बाद में देख लूंगा, समझा तू? थैंक यू भैया, आपने मेरी मदद करी और मैंने आपको इतना गलत समझा, मैं इतना सब कुछ बोल गई आपको और मना भी कर दिया था मैंने जॉब के लिए। मैं आपको सच बताऊं कि मैंने कोई भी ड्राइवर नहीं रखा है जॉब के लिए, वो तो बस मुझे मुस्लिम लोगों से नफरत है, बस इसलिए मैंने आपको झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर देना। और हाँ आज मैं एक बात और समझ गई कि हर एक मुसलमान गलत नहीं होता, इस तरह से पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, इसी तरह से हर एक मुसलमान एक जैसा नहीं होता। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, क्या आप मेरा काम करेंगे, ड्राइवर की जॉब करेंगे प्लीज़? कोई बात नहीं मैम, बहुत अच्छी बात है कि मैम आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने सब सुन लिया था जो आप अंदर बात कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, और आप मुझे मौका दे रहे हैं अपने यहाँ काम करने का, तो मैम ये बताइए कब से आना है? आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैम फिर मैं चलता हूँ।